हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी भाइयों को। भाइयों, पार्किंग में खड़ा हूँ, 45 आवर का रेस्ट है। बहुत ही बड़ी पार्किंग है जर्मनी में, मुनिच में, और कचरा फेंक के आते हैं, पानी लेके आते हैं। पानी की यार इतनी ज़्यादा व्यवस्था तो होती नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई। बहुत बड़ी पार्किंग है। कचरा फेंकेंगे, 5 लीटर पानी भर के लाएंगे। सामने बाथरूम है, यहाँ पर वहाँ से पानी भर के लाएंगे। ये देखिए ऐसी पार्किंग्स में कोई ड्राइवर छुट्टी जाता है, उसका सामान पड़ा है, कोई आता है। जैसे मेरे साथ स्टूडेंट आने वाला है अभी, सामने इंडियंस खड़े हैं केरला के, अभी उनसे बात हुई थी। स्लोवाकिया की कंपनी में आए हैं वो, लेकिन अपनी केरला में ही बात करते हैं ज़्यादा। भाग गए कैमरा देखकर, अभी तक तो खड़े हुए थे भैया। 45 घंटे का रेस्ट तो बहुत पहले हो गया मेरा, आज सुबह 8 बजे, लेकिन अभी 10-11 बज चुके हैं। अभी भी मैं यहीं पे खड़ा हूँ और आप पार्किंग देख सकते हैं, खाली पड़ी है। अभी हमारे पास टास्क नहीं आया है, अभी टास्क आएगा उसके बाद हम जाएंगे। स्टूडेंट मेरे पास आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि यार यूट्यूब पे हमारी वीडियो मत बनाओ, तो भाई एक बार पहले उससे पूछ लिया जाएगा कि भैया अगर यूट्यूब पे आपका फेस आए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद ही फिर उसकी वीडियो बनाई जाएगी ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, तो देखिए आप सामने वॉशरूम है। पार्किंग का नज़ारा लो आप, बहुत बड़ी पार्किंग है ये देखिए। और उस सामने भी एक बाथरूम है, और उसके उधर भी पार्किंग है। इस तरह से वीसी बने होते हैं चारों तरफ, ये देखिए। लॉक करो, पानी अपने आप चलता है। टिश्यू पेपर, हाथ धोने के लिए ये सॉप है, ये पानी है, इधर दबाओगे सॉप आएगा, उसके बाद पानी आएगा यहाँ से ड्रायर। भाई सामने अपनी राम प्यारी है, और बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं वो है हमारे नए को ड्राइवर, एज ए स्टूडेंट अभी आए हैं हमारे पास, और इनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, और इंडिया में भी ये गाड़ी चला चुके हैं, इनकी अपनी गाड़ी थी खुद की। से थोड़ी बातचीत करते हैं, इनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपको बताते हैं। भाइयों, भाई हमारे पास पहुंच चुके हैं जो को ड्राइवर हैं नए, और पाजी ना की ताडा जी। मेरा नाम परमिंदर सिंह संधू है, मैं गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूं, और पहले कतर में था, 6-7 साल कतर में काम किया है, और अभी पाजी के पास पहुंचा हूं। पाजी की कंपनी में ही आए हैं लातविया में, यूरोप में, और अभी कल शाम को कंपनी ने भेजा है एज अ को ड्राइवर पाजी के पास, एज अ स्टूडेंट, और अभी पाजी से लेंगे ट्रेनिंग और आगे का काम करेंगे, बाकी पाजी की बताएंगे जो बताएंगे आप। पाजी आप पहले क्या मेरे को जानते थे? हाँ जी, मैं पाजी के वीडियो देखता था कतर से, और पाजी के सारे जो वीडियोस बनाए पाजी ने सऊदी के, इंडिया के, जितने भी है पाजी के रिलेटेड, पाजी की लाइफ के बारे में, और जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो पूरे मैं देखता ही आ रहा हूँ। और बहुत मन में इच्छा भी था कि पाजी के पास पहुँचे और पाजी के साथ ही रह के कुछ सीख लें, तो अभी वो भगवान की हुई है पूरी मर्जी, तो आए हैं पाजी के पास। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो खैर आदमी जहाँ भी जाता है सीख लेता है, सीखने वाला आदमी कहीं भी सीख सकता है। बाकी अब आगे जो भी ब्लॉग आते रहेंगे, भाई भी बीच में आते रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ पहले जो लोग थे वो कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, यूट्यूब पर नहीं आना चाहते थे, तो भाई साहब कह रहे हैं मेरे को आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आगे के ब्लॉग में भाई साहब भी बीच बीच में आते रहेंगे। भाइयों, आपको बिना टायर की गाड़ी दिखाते हैं, देखो पार्किंग में टायर है नहीं, रिम रिम पर गाड़ी चल रही है, पूरा ट्रक खड़ा है यहाँ, पीछे जिसकी ट्रॉली है UPS और उसका रिम है, टायर है ही नहीं, ड्राइवर को पता नहीं चला, एक धागा तक नहीं है टायर का। ऐसा भी भाई हो जाता है यूरोप में।
हेलो दोस्तों, आज अगला दिन है, दिन का रेस्ट था। रेस्ट लेने के बाद अभी शाम के 8 बजे से जो है हमने शिफ्ट स्टार्ट की है। ये देखिए 8:17 हो चुके हैं यूरोप में, और आज हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई साहब भी हैं, और आज हम जाएंगे रॉकस्टॉक, वहाँ से फेरी लेंगे, फेरी से जाएंगे डेनमार्क, फिर डेनमार्क से जाएंगे स्वीडन, स्वीडन हेलसिंगबर्ग में हमें अनलोड करना है। अभी भाई साहब स्टार्ट करेंगे, चलो। भाई जहाँ से हमने फेरी लेनी थी वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी बज रहे हैं 12:30 रात के, और फेरी है 4:00, तो तब तक के लिए आपको करना होगा वेट। भाई भी बैठे हैं अभी, भाई साहब चाय बन रही है, चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे और फिर फेरी में चढ़ेंगे, फिर देखेंगे फेरी का मज़ा भी पहली बार जिंदगी में, आगे देखेंगे। हाँ तो भाई अब मिलते हैं फेरी में। रॉक स्टॉक पर पहुँच चुके हैं भाई, और स्कैंड लाइन का ऑफिस यही है सामने, ये वाला। गाड़ियाँ जानियाँ शुरू हो चुकी हैं, हम भी जाते हैं। हम भी चलते हैं, फेरी में लोड हो चुके हैं हम। पीछे भी देखो ट्रकों की लाइन ही लाइन लगी है, और इधर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, और हम बिल्कुल आगे ही हैं फ्रंट पे फेरी के। वो आंटी फोटो खींच रही है वहाँ एक। गाड़ी खाली करनी है, उधर पहुंच चुके हैं। अभी हमें रैंप नंबर नहीं दिया गया है, रैंप नंबर मिलेगा तो गाड़ी लगाई जाएगी। पार्किंग वगैरह और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, और उस तरफ भी गाड़ियां खड़ी हैं पीछे। भाइयों ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और वो पीछे हमने गाड़ी खाली करी है उस वेयर हाउस में, उन्हीं की ये पार्किंग है। और अगल बगल में ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, गाड़ी खाली कर दी है, 9 घंटे का रेस्ट हम यहीं पे लेंगे। ये खाली ट्रेलर हम देंगे यहाँ पर किसी दूसरे ड्राइवर को, वो हमको यहाँ से देगा एक लोड ट्रेलर, जो कि हमको फ्रांस में लेके जाके अपने कंपनी में छोड़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है यार वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, रब रखा।